ये दीवार और ये वाली दीवारें अपनी हाइट तक पहुंच चुकी हैं, यानी कि इतना ऊंची ही करवा रहे हैं हम, ज़्यादा ऊपर नहीं करवा रहे। तो आपने पहले कहा था दीवारों को ना शॉपर तक ले जाएंगे, तो उसका आइडिया बिल्कुल गलत था। तो यहाँ तक ही दीवारें रहेंगी, क्योंकि हमने छत तो नहीं डलवानी ना, बंद तो नहीं करना, ओपन ही रहेगा एक फॉर्म जैसे होता है, जैसे जू होता है, तो इसलिए यहाँ तक दीवारें हैं। उसके बाद ये वाली दीवार भी जब बराबर हो जाएगी ना, अगला काम फिर होगा और यहाँ पर गेट भी जल्द ही लग जाएगा। यार तो आपने मुझे बुलाया, ऊपर वो छत पर है। हाँ भाई क्या हुआ? हाँ इसके ऊपर हमला किया यार। क्या मतलब? इसको पकड़ रही थी मैंने, उसके मुंह से छुड़ाया है। ये देखो सारी तो ब्लड है, खून आ रहा है सारा इसको। तो भाई जैसे कि पहले भी बोला था, ब्लैकी हमारी जंगली भी है और घर में भी रहती है, समझ नहीं आती। कुछ आते हैं इसकी जंगलियों वाली हैं, देखो उसको खून आ गया, जख्म आ गया, और कुछ आते हैं इसकी घरेलू बिल्लियों वाली है, खाना वगैरह खाती है हमसे आराम से, लेकिन कभी कभी शिकार भी कर लेती है। ये देखें अब इसके काम, इसको मैं मरहम करता हूँ यार। अंडों पर बैठी हुई थी बेचारी, अंडों वाली है जिसके बच्चे निकलने वाले हैं। अच्छा ये यहाँ पर बैठती होती है बेचारी, और मुर्गी क्या कर रही है यहाँ पर? मुर्गी यहाँ पर अंडा दे रही है। मैं इसको मरहम करता हूँ दोस्तों, अल्लाह करेगा हमारी कबूतरी ठीक हो जाएगी। इतना गहरा जख्म नहीं है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हमारे घर वाले भी दोस्तों उससे तंग हैं, और क्या करें आप समझ नहीं आ रहा। कबूतर भी तंग है, देखें उसके ऊपर हमला कर दिया यार। पालतू बिल्लियां तो ऐसा नहीं करती, कहीं पर यार किसी को दे दे। हाँ ना, कबूतरों के ऊपर हमला करने लग गई है, हमारे चूजे भी खा जाएगी एक दिन, पता भी नहीं चलेगा यार। ब्लैकी को हमने यहाँ पे खाना दिया था, देखें अपनी खाती नहीं है और हमला कर देती है परिंदों पर। अब पता नहीं कहाँ घूम रही होगी ब्लैकी। यहाँ पर भी नहीं है भाई, पता नहीं यार कहाँ चली गई है। जब आएगी ना इसका बंदोबस्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो आते ही दोस्तों बैड न्यूज़ ये हुई कि ब्लैकी ने कबूतर के ऊपर हमला कर दिया। शुक्र है मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो वो कबूतर को खा जाती, मार देती। तो मैंने कबूतर को छुड़वा लिया किसी तरीके, अब वो बेचारा जख्मी, मैंने उसको मरहम कर दी है। अभी मैंने दोस्तों क्या देखा है कि हमारा एक चूजा गुम है। कौन सा यार? जो हमारी बड़ी मुर्गियाँ नहीं थी वो कहाँ चली गई हैं? देखें ये ठहरी हुई हैं, ये हैं 3, 3, 6, 2, 8। हमारे पास 9 थी टोटल, एक हमारी पहले गुम हो गई थी, टोटल 10 थी, अब 8 बच्चे हुए हैं, एक और भी गुम है। तो मैंने देखा है कि वो नीचे घूम रही थी यार, ऊपर से देखे, अब उसको मैं लेके आता हूँ। तो ये दोस्तों चूजा घूम रहा था बाहर, तो इसको हम वापस छोड़ देते हैं छत पर। चलो चलो तुम लोग भी नीचे आ गए, जाओ 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 ऊपर जाओ, और तुम भी जाओ। ये देखें दोस्तों मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, सारे काम खरगोशों के हैं। ये देखें दोस्तों खरगोश अंदर बैठा हुआ है, और ये क्या करते हैं, अपनी सुरंग को ना गहरा करने के लिए ना सारी मिट्टी अंदर वाली बाहर निकाल रहे हैं। और ये देखें पहाड़ बनता जा रहा है, अब पता नहीं यार कितना मिट्टी निकालेंगे। खैर ये बना रहे हैं यार, पता नहीं इसके अंदर बच्चे हैं भी या नहीं है, बस मिट्टी निकाल ही जा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर ये कर क्या रहे हैं। मछली दोस्तों ज़्यादा होने की वजह से ना फाउंटेन की साइडों पर सारा ये कचरा आया हुआ है। ये मछलियों का अपना कचरा है, ये मिट्टी वगैरह कोई नहीं है, इनका अपना गंद है। तो हमने एक चीज़ मंगवाई है दोस्तों, जो ये कचरा ना अपनी तरफ खींच लेगी, वो तकरीबन 2 से 3 दिन में आ जाएगी, फिर हमें मुश्किल नहीं होगी। जो हम फाउंटेन 3-4 दिनों में साफ़ करेंगे, उसको फिर हमें तकरीबन 15 से 20 दिनों में साफ़ करना होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो अभी दोस्तों थोड़ा सा वेट करते हैं। क्या हुआ? ये इनकी पोटी है। हाँ जी, ये देखें दोस्तों हमारा कछुआ ना एक पत्ते पर चिपका हुआ है, ये देखें ये बैठा हुआ है माशाल्लाह। मछली भी दोस्तों हमारी ऐसी करती हैं, छांव वाली जगह पर रहती हैं, इधर होती हैं कभी, या उस कोने में होती हैं, या इस दरमियान में होती हैं। गर्मियों में ना ये ऐसे घूमती रहती थी, मुझे लगता है इनको ठंड लगना शुरू हो गई है, इसकी वजह से एक जगह पर ये चिपक के रहती। मुझे पसीना आ रहा है अभी ठंड वाला माहौल नहीं है भाई। भाई पानी में 2-3 मिनट तैर के देखो, आपका सारा पसीना उड़ जाएगा। नहीं यार सही, अभी मौसम ठीक है, ठंडा है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना नहीं है इनको अभी जरूरत। हीटर हम लगवा दें हम, फिर वो दम घुट जाए, फिर क्या करोगे? क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा तो जरूर लगाओ, एक दो दिन अभी, एक दो दिन नहीं, हफ्ता डेढ़ अभी वेट करो। अच्छा भाई मछली वाले से पूछ लेंगे। ओके ओके, हमारी मुर्गी ने दोस्तों देखें इसके अंदर अंडा दे दिया, और ये तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद ये अंडा दे रही है। इसने ब्रेक लगा ली थी, और अब देखें कबूतरों के डर में अंडा दे दिया इसने। चलो भाई ये देखें गरम गरम अंडा। हमें बताती है जब आवाज करती है अंडा उठा लो मेरा, ऐसे शोर क्यों कर दिया अंडा देने के बाद? हर मुर्गी ऐसा करती है, इसका मुझे कभी सोचा है कभी ये चीजें सोचा करो? अच्छा हमें पता चल जाता है जब चिल्लाती है ना मुर्गी, अंडा दे दिया इसने। ये मुर्गी का अपना ही साइन होगा, जब अंडा देती होगी तो ये चिल्लाती होगी उठा लो मेरा अंडा, अपना पावर शो करती होगी, हाँ भाई अंडा दे दिया मैंने, देख लो आपका बटेर है। वो देखो हल्का सा नजर आ रहा है, एक मिनट डराना नहीं इनको। ये देखिए इसके अंदर बटेर भी आराम से बैठा हुआ है, और बजी भी इसके साथ, लगता है इन दोनों की दोस्ती होगी। शान देखो आपस में लड़ भी नहीं रहे,
और यहाँ पर हमारा माइलो और पीछे स्नो दोनों दूध पी रहे हैं यार, और कोई काम नहीं इनको, सिर्फ दूध पीते हैं और जाके उस कोने में बैठ जाते हैं। और क्या करें भाई, दूध ही पीना होता है इन्होंने यार। खेले कूदे जैसे जंप वगैरह करते हैं वो कब करेंगे? तीन दिन सारे हुए इनको आए हुए, हफ्ता अच्छा। डेढ़ दो हफ्ते के बाद ये बिल्कुल एक्टिव होंगे अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यार है तो बिल्कुल हेल्दी, कोई इशू नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हम वो चीज लेकर आ रहे हैं जिसके लिए हम कल भी गए थे, और आज दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें मिल चुकी है, मतलब हमें उल्लू मिल चुका है दोस्तों, कल हम जिसके लिए गए थे। तो ये है दोस्तों उल्लू, इस डब्बे के अंदर है दोस्तों। तो अब हम घर जा रहे हैं, घर जाकर ना इसको हम देखेंगे और इसको हम खुराक शुराक डालेंगे, और फिर क्या करेंगे इसकी प्रॉपर हम प्लानिंग करेंगे कि कब इसको हमें आजाद करना है, किस जगह हमें आजाद करना है। तो चले दोस्तों चलते हैं घर। चलो सिप्टेन आ जाओ, ये बहुत खतरनाक चीज है, तो अभी हम ऊपर लेके जा रहे हैं। खतरनाक है यार, प्यारी थी शक्ल से, प्यारी है लेकिन खतरनाक भी है। उल्लू उल्लू ईगल से ज्यादा खतरनाक होगा, ईगल से नहीं है लेकिन चलो चलो यार देखते हैं जो भी है। इसको दोस्तों हम आजाद करने के लिए सिर्फ लेकर आए हैं, इसको पालने के लिए हम नहीं लेकर आए। तो अभी मैं देख लेता हूँ यार ठीक है ना, काफी लंबा सफर करके आए, वो तो कितने आंखें खोल गई यार इसमें, ये देखो कितना प्यारा है यार, ये तो हैरी पॉटर वाला उल्लू है। हाँ बिल्कुल सेम उसी तरह है। कितना प्यारा है यार, व्हाइट और ब्राउन कलर का, वही मारेगा, काट सकता है तुम्हें। ओ भाई इसके लिए पिंजरा लेकर आओ, मिट्टी वाले पिंजरे में इसको। ओके ओके हाँ कर रहा हूँ। तो ये उल्लू जो है ना, इसको हम इस पिंजरे में रखेंगे, फिर आजाद करेंगे कुछ ही देर में, या कल या परसों, फिर देखेंगे। ओ भाई आए 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 आए, काट रहा है मुझे। नहीं काटेगा, टेंशन नॉट। कितना डर रहा है, ये डर रहे हैं क्या? नहीं डरते यार। चलो भाई चलो जाओ, आज से तुमने इधर रहना है सिर्फ एक दिन के लिए, ठीक है? फिर हम तुम्हें कर देंगे आजाद। इसका गोश्त ले आओ सिप्टेन। हाँ हाँ ओहो, ये देखें, इसको दिन में मेरे ख्याल में नजर नहीं आता, ये ऐसे बस आंखें, ये अंधा है अभी, नजर नहीं आ रहा इसको कुछ भी। ओ भाई क्या बात है। इसको यहाँ से उठाओ, ये लगभग डर रहे हैं, और इसको रख देते हैं दोस्तों हम इधर। चलो भाई, उल्लू को देख कर ना देखें, चिकन भी शोर करने लगे, और ये देखिए ये भी डर रहे हैं, पता नहीं क्या चीज आ रही है, क्योंकि ये शिकार करते ना, इस वजह से इनको भी पता है भाई ये खतरनाक चीज है, और ये डर रहे हैं, हालांकि ये डर रहे हैं इनसे। इसके लिए चिकन लेकर आओ ना, इसको हाँ, खिलाते हैं। हाँ इसको खिलाने पिलाने का बंदोबस्त करता हूँ मैं। आ जाओ, देखो क्या है, देखो क्या है, आज तक देखा है ऐसा परिंदा कभी? क्या है ये, क्या है बोले? अबे इसको पता है यार, क्या बात, 12 दिन तो परिंदे जानवर देखते रहता है, इसको पता नहीं होगा, किसको पता होगा। तो मैं ये चिकन जो है ना इसके पास रख देता हूँ, ये खा लेगा। ये कौन सा है? ये उल्लू है। उल्लू? हाँ। चिकन दोस्तों हमने उल्लू को रख दी है, अब हम रख रहे हैं ये पानी, पानी भी पिएगा चिकन भी खाएगा, और थोड़ा सा ये जब रिलैक्स हो जाएगा ना, फिर हम इसको कर देंगे कल आजाद। अभी हम इसको रख देते हैं यार किसी सेफ जगह पर, ताकि ये बाकी परिंदों को भी ना डराए और खुद भी ना डरे। तो इसकी सबसे सेफ जगह पता है कौन सी है? ये वॉशरूम। अच्छा, यहाँ पर ये अकेला रहेगा ना, ना इसको कोई डिस्टर्ब करेगा और ना इसे कोई डिस्टर्ब। के बाद आएंगे देखने के इसने चिकन खाई है या नहीं खाई, ठीक है? अब इसको अकेला छोड़ देते हैं, अंधेरे में ये रिलैक्स होते हैं, रोशनी में डरते हैं ये। सही। शाम हो चुकी है दोस्तों, और अब मैं सबसे पहले ना उस कबूतरी को देख लेता हूँ जिस पर ब्लैकी ने हमला किया था। ये देखें दोस्तों, फीमेल अंडों से उठी हुई है और मेल बैठा हुआ है अंडों पर। तो अब दोस्तों हम ना मछलियों को खुराक डाल देते हैं, सिद्धन ये पत्ते और ये फीड डाल दो। अब आपने चुप रहना, बस नहीं बोलना। बस इसकी बारी है। बस यार काफी है यार, सिद्धन बस करो। काफी नहीं है, मैं कहता जल्दी बड़ी हूँ, मरती नहीं होती, ऐसा कहते हैं कि मर जाती है, कुछ ज्यादा खा रहे ना फिर मरती है। अच्छा यार वो उल्लू को तो देखे, उसने चिकन खाई है। दोस्तों हमारे उल्लू को तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं उसी केज में, और चिकन हमने डाल दी थी, अब चेक करते हैं चिकन खाया उसने या नहीं खाया। वो देखो सिप्टन, सारा का सारा चिकन खा गया, माशाल्लाह खाली हो गया, खा गया बिल्कुल।
मतलब ये गोश्त खाते शौक से। चलें दोस्तों, हमारा उल्लू अब रच चुका है, इसने खाना खा लिया है अपना। तकरीबन 2-3 बोटियां थी, तो अब हम इसको ना कुछ टाइम के बाद डालेंगे, तकरीबन रात को डालेंगे। चलो चाचू आ जाओ। चलो चलो चलो। चलें दोस्तों, उल्लू को हम कर देते हैं अब बंद। चलो भाई, और इसको हम करेंगे दोस्तों 1-2 दिन में आज़ाद इंशाल्लाह। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। जाते जाते आपको मैं अपना मिनी जू दिखा देता हूँ दोस्तों। सुबह सिप्टैन ने आपको दिखाया होगा, तो वो वाली दीवार अब रहती है सिर्फ, ये वाली कम्प्लीट हो गई है, पीछे वाली कम्प्लीट हो गई है, सामने वाली भी कम्प्लीट हो गई है, वो वाली आधी हो गई है तकरीबन, अब हो जाएगी वो आज शाम तक इंशाल्लाह। फिर बाकी रहता है दरवाज़ा, अब दरवाज़ा भी तकरीबन आ जाएगा कल या परसों, ऐसे ही बोला गया है। तो चलें अभी के लिए इजाज़त हमें दीजिए, अल्लाह हाफिज़।